नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं अगले एपिसोड में एलियन एबडक्शन के ऊपर बातें करूंगा, तो आज का ये एपिसोड होने वाला है एलियन एबडक्शन के ऊपर। ये चीज़ साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी और इन सब से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस फिक्शन, साइंस और कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के थोड़े भी आसपास जाती है, हम भी वहां चले जाते हैं। तो आज हम एलियन एबडक्शन के ऊपर बात करेंगे। अब जो लोग नहीं जानते एलियन एबडक्शन क्या होता है, मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, आपने एलियंस का नाम सुना होगा, कोई मिल गया फिल्म देखी है, वहां पर जादू आता है जी, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। एलियन होता है, कई लोगों का मानना है एलियन होते हैं, कई लोगों का मानना नहीं होते हैं, लेकिन देखिए बात तो यह है कि हाँ, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ये बात तो हम बिल्कुल नहीं नकार सकते कि पृथ्वी जैसे और बहुत सारे ग्रह होंगे, लेकिन ये बात है कि वो हमारे पास नहीं है, वो बहुत दूर है। ऐसे और भी ग्रह होंगे जहां पर जीवन है, जहां पर हमारे जैसे लोग हो सकते हैं, वहां पर कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमारे यहाँ लुप्त हो गए, डायनासोर वगैरह, लेकिन वहां अभी भी जिंदा है। ऐसा हो सकता है कि इंसान ज्यादा एडवांस हो वहां पर, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हुई है, जो मानव यहां पर बना है, जो आया है, उससे पहले हो सकता है वहां पर मानव हो, इंसान हो, तो उनकी टेक्नोलॉजी से हमसे ज्यादा होगी ना, तो वो ज्यादा एडवांस्ड होंगे, तो हमारे लिए तो वो एलियन ही हो गए ना, दूसरे लोग, दूसरे प्लैनेट वाले। तो ये बात हम नकार नहीं सकते कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे जीवन है। ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उनमें बहुत सारे ग्रह होंगे जहां पर जीवन है, लेकिन हम वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए। ये बात खैर अलग है। अब एलियन एबडक्शन की जो थ्योरी है, ये कहती है कि दूसरी दुनिया से, मतलब दूसरे ग्रह पर जहां पर जीवन है, वहां से स्पेसशिप आते हैं और वो पृथ्वी के इंसानों को, गायों को, अमेरिका में जो गाय होती हैं, बफेलोज वगैरह, गाय वगैरह, गोट्स, ये जो होते हैं मवेशी होते हैं, इनको उठा कर ले जाती है। मतलब वो स्पेस शिप ऊपर घूमता है और वो उनको अपने अंदर ले लेता है, और वो लोग ले जाते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और वापस पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं, या कई केसेस में छोड़ कर भी नहीं जाते, अपने साथ ही ले जाते हैं। वो इंसान या जानवर गायब हो जाता है और फिर कभी देखने को नहीं मिलता। इसकी साइंटिफिक थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एलियन साइटिंग, यूएफओ साइटिंग्स पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल कम हो गई हैं। जब से एचडी एक्सेस हुआ है लोगों के पास, जब से एचडी कैमरास आए हैं, तो जो एलियन साइटिंग्स है वो पहले से कम हो गई हैं। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो जो पहले वाली होती थी वो झूठ होती थी, लोग फेक बनाते थे, या तो ये हो सकती हैं कि एलियंस अब इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो हमारी नज़र से भी बच जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया है कि जो अमेरिका का एरिया 51 या ऐसी जो जगहें हैं, जो तरह तरह की यू नो नेवल बेसिस हैं, वहाँ पर अटैक हुए थे तो उनको कोई देख नहीं पाया था। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की जो सरकार है वो एलियंस के बारे में बातें छुपा रही है, और उनके सीक्रेट कहीं बेस पर एलियंस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो कुछ ऐसी यू नो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई अभी पुख्ता सबूत अभी मिले ही नहीं है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो एलियन होते हैं वो ऐसे लोगों को उठाते हैं जिनसे उनको कुछ जानकारी मिल सकती है, राइट? अभी ऐसे एविडेंसेस भी हैं कि एक इंसान ने अभी ऐसा दावा किया था कि वो ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते उसको एक आसमान में एक स्पेसशिप जैसा नजर आया, और वो उसकी कार के ऊपर जस्ट आ गया, और उसके बाद उसको कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। उसके बाद दो तीन दिन बाद उसको कहीं देखा गया, पड़ा हुआ मिला। वो उसने बताया कि जब वो मुझे स्पेसक्राफ्ट दिखा, उसके बाद से मुझे अब तक का कुछ भी याद नहीं है, मतलब उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई। तो ये भी, अब ये तो तर्क है, आप समझ गए कि एलियन है। इसका एक और साइंटिफिक रीजन हो सकता है, आपने स्लीप पैरालिसिस का नाम सुना होगा, हिप्नोटिज्म का नाम सुना होगा, या जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने लगता है जो कि सही में नहीं होती हैं, उसको ऐसी चीज़ें नजर आने लगती हैं जो जिसकी रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने देखा होगा जब रात में जो चीज़ आप सोच रहे होते हो, पूरे दिन जो आप सोच रहे होते हो, रात में आपको उसी चीज़ का सपना आता है। क्यों? हमारा दिमाग कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो अपनी फैंटेसीज और इमेजिनेशन को रियल में देखने लगता है, और वो उसमें रियल में सही में होती नहीं है, उसके दिमागी उपज है ऐसी, उसके दिमाग में ऐसे केमिकल यू नो सिक्रेशन होता है केमिकल का, कि वो ऐसी चीज़ों को यू नो देखने लगता है। स्लीप पैरालिसिस ऐसा होता है कि आप सो रहे हैं और जगे भी हुए हैं, एक बीच की अवस्था होती है जिसमें आपको पता है आप कॉन्शियस हैं, आप जग रहे हैं, लेकिन आप अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाते। इसका ही संबंध कुछ बताते हैं जो साइंटिस्ट हैं कि जो भी अबडक्शन वगैरह होता है इसका संबंध ये से, वो सही में ये लोग स्ट्रेस में होते हैं, बेहोश हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, लेकिन उनको एलियन दिखता है और वो बेहोश हो जाते हैं। वो एलियन होता नहीं है, उनकी उपज होती है आसमान में और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक औरत ने यह दावा किया था कि उसको ऐसे ही एक स्पेसक्राफ्ट ले गया था, और जब उसने आँखें खोली तो उसने अपने आप को एक सर्जरी टेबल पर पाया। उसके सेल्स, उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पर कुछ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे कोई क्रिएचर जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। तो ऐसा हो सकता है कि एलियंस हमारे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हों जितना हम उत्सुक हैं उनके बारे में जानने के लिए। शायद वो भी उतना उत्सुक हों
हमारे बारे में जानने के लिए। नासा की तरफ से तैयारी पूरी है और चलते रहते हैं, रिसर्चेस चलती रहती हैं, हम तरह तरह के यू नो इक्विपमेंट भेजते हैं, बहुत सारे यान वगैरह जाते हैं, खोज रहे हैं पानी तो नहीं, कहीं जीवन तो नहीं। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि मंगल पे पानी है, यहाँ पर पानी है, ये जीवन है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत हमें मिले नहीं है या अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं बन पाई है कि हम किसी दूसरे यू नो प्लैनेट पर रह सकें। लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगा जब ये हो सकेगा। अब मैं बात करूँगा अमेरिका की, मैक्सिको, यू नो आसपास की जो जगह, अमेरिका, मैक्सिको, अलास्का, कंट्री साइड, जो ऐसी जगह होती हैं जो रिहायशी यू नो बड़ी सिटी से थोड़ी अलग होती हैं, वहाँ पर यूएफओ साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिलती हैं। अब वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो नेवल बेस है, मतलब जो यू नो डिफेंस का जो होता है अमेरिका का, वहाँ पर एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट में भी आई थी कि वहाँ पर एलियन का अटैक हुआ था। उनके जो न्यूक्लियर वेपन है या अमेरिका के जितने भी वेपन हैं वो सब धरे के धरे रह गए थे और वो काम नहीं कर रहे थे। ये बात अमेरिकी सरकार ने छुपा ली, डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है उसने छुपा ली। वो नहीं बताना चाहते थे कि एलियन टेक्नोलॉजी के सामने उनका कोई भी वेपन काम नहीं कर रहा था, सब ठप हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा भी था जब मैक्सिको में और रशिया में, ये दो जगहों पर जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं एलियंस की, जो तस्तरीय होती हैं, वो उतरी थी, क्रैश भी हुई थी, और ये चीज़ सरकार ने, मैक्सिको ने छुपा ली और ये किसी को सामने आने नहीं दिया गया। रशिया में भी कई क्रैशेस हुए हैं, उनके फोटोज़ आपको इंटरनेट पर देखने को मिलते होंगे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सरकार ने दबा दी। और ये बात पूरे तौर पर हम अब कह तो नहीं सकते, लेकिन ये अंदेशा है कि रशिया और अमेरिका सीक्रेटली एलियंस पर रिसर्च कर रही है और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एलियन कल्चर या एलियन सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। एरिया 51 या ऐसे कई सारी चीज़ों में एलियन के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एलियन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय आए हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बताते हैं कि इन सीक्रेट बेसिस में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नॉर्मल साइंटिस्ट या नॉर्मल वर्कर नहीं जा सकते, इवन क्लीनर्स वगैरह को जाने की भी पाबंदी है, वहाँ पर वो नहीं जा सकते। तो वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो दुनिया नहीं जानती, कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। रशिया, अमेरिका में UFO एलियंस के ऊपर रिसर्चेस चलती हैं। तो एलियन एबडक्शन की दो सच्चाइयां हो सकती हैं, या तो ये हमारी दिमागी उपज है इंसान की, या तो सही में एलियन आते हैं और इंसानों को ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा साइंस फिक्शन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी तो इसमें इन्वॉल्व है, साइंस भी है, मेडिकल साइंस भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी जज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है, ये मात्र हमारे दिमाग की उपज है या सही में एलियंस होते हैं। मुझे कमेंट पढ़कर बड़ी खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ के बारे में तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, दूसरे लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।